हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार फिलहाल जरोठ टोल पर मौजूद हूँ और लगातार एक कल से जो है कई टोलों से वीडियो आई है जो ये कहा जा रहा है कि टोल के ऊपर गुंडागर्दी की जा रही है। एक वीडियो आई थी जो शायद मुरथल टोल से थी, वो एक महिला के बाल पकड़ के जो घसीटा गया है टोल कर्मियों के द्वारा। दूसरी वीडियो आई नंगल चौधरी टोल से जहां पे डॉक्टर देवेंद्र बलारा के साथ मारपीट की गई है। और तीसरी वीडियो जो वायरल हुई वो यहां से हुई है जरोट टोल से, जो खरखोदा से निकल कर सोनीपत रोड पर जो टोल आता है वहां पे हमारी टीम फिलहाल मौजूद है। एक बार कहूंगा, एक बार चारों तरफ से दिखा दें, यहाँ पे काफी संख्या में ग्रामीण और पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। और जो यहाँ पे जो घटना जो हुई है वो मैं आपने बता दूं कि सोनीपत जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष हैं भाई तीर्थ राणा जी, जो ये यहाँ से गुजर रहे थे उस वक्त यहाँ पे जो है ये घटना हुई है। क्या कुछ हुई है यहाँ पे, मारपीट भी हुई है, किसके साथ मारपीट हुई है, किस बात को लेके हुई है, क्या कुछ जो है टोल कर्मियों के बीच में और भाई तीर्थ राणा के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई जो इतनी बढ़ गई कि आज यहाँ पर कई गामा के लोगों ने जो है यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा। आज सुबह से यहाँ पे इतने सारे व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं और क्या मांग को लेके यहाँ पे मौजूद है वो सारी बात जो है हमें भाई साहब कराएंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब क्या कुछ बात हुई, आप रात को किस समय यहाँ से गुजर रहे थे और क्या जो कहानी हुई है? देखो ये मामला ना कल कहानी है, ये मान लो भाई 15-20 दिन से ना लगातार यहाँ से ये शिकायतें थी। अज्ञाना लोगों के साथ बदतमीजी की जाती है और बद्दी गाली दी जाती है, गाली गलौज किया जाता है और टोल भी हमारे या जो आसपास के गांव में जो 5-4 किलोमीटर है उसे टोल भी लिया जाता है। और यही शिकायत अपने बगान टोल की थी। तो हमने ये था कि भाई देखें चेक करें कितनी इसमें सच्चाई है, वो सच्चाई सच्चाई जानने के चक्कर में हम भी पहुंच गया। तो मेरे साथ सत्य रोड वाला जो चेयरमैन था वो भी था, हम भी थे दोनों जने। तो आप पहुंचे तो मैंने बताया भाई मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैंने कार्ड दिखाया, तो बदतमीजी तो करी उन्होंने बातचीत। फिर मैं बोला भाई यू रोड का चेयरमैन है ना, ना सत्य है रोड से चेयरमैन है भाई, ब्लॉक समिति गाड़ी का 40-42 गांव का चेयरमैन रहे हैं, मतलब उसके साथ भी बदतमीजी की। तो फिर हमने देखा भैया सच्चाई है आसपास के, तो आसपास के गांव वाला ने सरपंच ने पता चल गया स्त्री की चेक करना आए थे, अरे उनके साथ भी वह चीज हुई। तो वहाँ आगे और सभी साथी आए तो उसमें आने के बाद भी उनके साथ बदतमीज सबके साथ, मतलब ये तो एक मानो गुंडा टोल था, टोल नहीं है गुंडा टोल है। तो इस पर तो गुंडे बैठे हैं सारे, हमारे से औरों से माताओं से बहनों से जो भी मिलता है मतलब टोल भी लेते हैं और बदतमीजी भी करते हैं। तो इसको लेके आसपास के सारे गांव के सरपंच और यहाँ आए हैं। और ये है भाई हमारे 5-7 किलोमीटर के एरिया में जो 8-10-12 गांव लग गए हैं उनका टोल फ्री होना चाहिए, यही मांग उठ के लगभग जगह। तो देखो कई जगह देखने को मिलता है कि जो आसपास के गांव हैं उनसे जो उनके जो 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 आदमी वहां से गुजरते हैं उनसे टोल नहीं लिया जाता। फिर यहाँ पे मतलब ऐसा क्यों है कि जो जरोट गांव में, और यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि जरोट गांव में टोल है और यहाँ के गांव के लोगों का भी टोल लगता है? बिल्कुल, कल रात की बताऊंगा मैं, हम बैठे ही थे तभी सरपंच का लड़का है उसकी गाड़ी बैक करवाई है 8:30 बजे की 9 बजे के आसपास की बात है, कैमरे भी चेक करेंगे आ जाएगी वाली चीज भी आ जाएगी अगर कोई जाओगा घर में। बात यह नहीं है भाई साहब, ये पहले ठीक समूथली चल रहा था, आसपास के गांव वाले भी ऐसे जर दे, जब से नया ठेकेदार आया इससे पहले 2-4 ठेकेदार आए सबने अच्छा काम करा, अभी ये आया ये पता नहीं बदमाश है वह बदमाशी या क्या है, बदमाश वो साथ ले रहा है या खुद बदमाश है, इसने जो यहाँ पर आकर माहौल खराब करा ना इसकी वजह तो है ना। तो पहले यहाँ के गाँव के रोड वाले रोड से चले आप रोड जाओगे 1.5 किलोमीटर है 2 किलोमीटर, और आपने इस पर चले कितने रोड पे, 0.5 किलोमीटर भी नहीं चले तो आप 200 रुपये थोड़ा दे दोगे, आप तेल लगे आपका 20 रुपये का रहा, आपने टोल देना पड़ गया 200 रुपये का। तो ये था बस प्रशासन का भी ये था, बस सरकार की भी स्त्री का हाथ, आप तालमेल के साथ वहाँ के आस 5-10 गाँवों का फ्री करो और 20 किलोमीटर तक का कुछ वो बना दो, पास वास कर दो, उनका सिस्टम कर दो। दैया खाप ने भी अल्टीमेटम दिया, शिकायत भी दर्ज कराई थी, आप अपने रवैये को सुधारो। दैया खाप के कुछ दैया खाप के प्रधान गौशाला के प्रधान थे हैं हमारे ससाना गौशाला के, उनने भी दिया है कि भाई अपने रवैये ना सुधारो, हमारी तो भी बातचीत हो भाई स्त्री का माहौल है इन्हें ठीक करवाओ जी। लेकिन प्रशासन को भी मेरे को ये लगा नहीं भाई, जो पुलिस प्रशासन के पास भी 2-4 शिकायतें गई हैं उनको कार्रवाई नहीं की, और वह खुद भी ये कह रहे हैं कि भाई हम मंथली देते हैं पुलिस प्रशासन को, तो ये एक अशोभनीय बातें हैं। अगर वह देते भी तो उस बात को आप उजागर कर रहे हो,
तो इतनी पुलिस इतनी दबी नहीं हुई भाई कि आप उसको उजागर एकदम कह रहे हो, पुलिस डीएसपी जाता उसे कहते हैं भाई आप वर्दी पहन गाओ दिखाओ वर्दी में, डीडीपी हो जाता है तो घर परिवार वाले के साथ बेइज्जती होती है। बगान टोल पापे वीडियो अभी देखी होगी आपने, महिला का कितनी बर्बरता, मतलब किस हद तक उन्होंने मार पिटाई करी है, थप्पड़ भी हो जा मार पिटाई देखो आप किस थी, और टोल का कोई रूल नहीं कहता भाई स्त्री आप मार पिटाई करो। कल रात को ही एक जगह शायद नांगल चौधरी टोल की वो घटना है, कुछ पत्रकार साथी वहां पे पहुंचे हैं मौके पर, जो डॉक्टर देवेंद्र बलारा हैं जो काफी जो सामाजिक जो जुड़े रहते हैं सभी कामों में, चाहे वो धरना अपने किसानों का था या पहलवानों का था या जिस तरह की गतिविधियों में वो हमेशा शामिल रहते हैं डॉक्टर देवेंद्र बलारा, उनकी गाड़ी को जो है वो तोड़ा गया है, गाड़ी का डोर हैंडल तोड़ा गया है, डोर वाइजर तोड़ा गया है, उनके साथ जो है बदतमीजी की गई है, क्या कहना चाहोगे? जगह जगह जो ये एक ये अकेले जरोट टोल की बात नहीं है, कई जगह से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, और आप एक बीजेपी के जिला अध्यक्ष हो सोनीपत जिले के, क्या कहोगे जो हर जगह की इन घटनाओं को लेके? देखो मैं सोनीपत से चला और झज्जर जाऊँ तो मेरा टोल देना पड़ता है, टोल पड़ते हैं, मुद्दा ये है कि मैं रोड से चला रोड जाऊं और 200 रुपये टोल दूं, मुद्दा ये है, समस्या ये है, मैं कवाली से चला और मैं टोल देना पड़ रहा है, मैं फतेहपुर से चला मैंने जरूठी आया मैंने टोल देना पड़ रहा है, मैं जरूठी से चला मैंने रोड आया तो मैंने टोल देना पड़ रहा है, और टोल भी भाई साहब कोई सा नहीं, अब 5-10-20 रुपये हो, सही बात है, कई 100 रुपए जो देने पड़ते हैं, कई 100 रुपए आप खर खोदा चले गए रोड तक, अब बस अब 4 किलोमीटर है आपको टोल देना पड़ रहा है, आप को खरखोदा जाने में सारा किराया मतलब गाड़ी का तेल लगा होगा 40 रुपए का, टोल लगा 200 रुपए, बिल्कुल मुद्दा ये है भाई साहब, यह समस्या यहाँ की जो नजदीकी है प्रधान जी है, जो प्रधान जी को परिचय दे दो। मैं रणदीप दैया प्रधान गौशाला सिसाना जी, जिस तरह से जो राणा जी जो बता रहे हैं कि भाई आसपास के गांव के जो लोग हैं उनको भी टोल देना पड़ रहा है, क्या कहना चाहोगे इस बात पर? देना पड़ रहा है या फिर ये वैसे चाहिए का नियम है उसको भी फॉलो नहीं कर रही है, कम से कम आसपास के जो 5-4 किलोमीटर की छूट हो तो वो भी नहीं दे रही है, और बदतमीजी कर रहे हैं, और जो राणा जी कह रहे हैं जब पार्टी के सरकार के मौजूदा व्यक्तियों के साथ ये व्यवहार चल रहा तो आम जनता के साथ क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। बिल्कुल भैया, जो है प्रधान जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि जब जो सरकार के नुमाइंदे हैं फिलहाल मौजूदा सरकार के बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, जब उनके साथ जो है टोल पे इस तरह की बदतमीजी हो जाती है तो फिर आम आदमी जो है वो राणा जी कहाँ तक सुरक्षित है, कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर? नहीं, आम आदमी की ही समस्या को लेकर हम है भाई, और आम आदमी सुरक्षित नहीं तो इसी के लिए हम बैठे हैं, और जब सरकार ने ये टोल दे दिया तो आपको टोल ये दिया लोगों की सुविधा के लिए आने जाने के लिए दिया, अब आप करो इसको ठीक तरह, और आप इसको गुंडा टोल बना रहे हो, इसी समस्या को लेकर बैठे हैं, और प्रशासन को अभी तक जू नहीं रेंग रही, क्या कुछ आश्वासन दिया गया यहाँ पे जो है अभी जो लोग जो यहाँ पे बैठे, एक बार कहूंगा अनिल एक बार फिर दिखा दो तस्वीरें यहाँ पे, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ये अभी जो क्या किन मांगों को लेके जो बैठे हैं, जो टोल बंद कर दिया या टोल चल रहा है? क्या टोल तो चल रहा है, टोल नहीं बंद है, टोल तो रुपये भी जो आने जाने वाले सब रुपये भी कट रहे हैं, टोल नहीं बंद है, लेकिन सब ये मांग यही है कि हमारे 8-10 गांव है भाई इनके यहाँ। कुछ देर पहले मीडिया के ही माध्यम से एक नोटिफिकेशन जो मिला था लगभग सभी लोगों को मिला, यहाँ पे भी कई लोगों ने बताया कि नोटिफिकेशन मिला है कि टोल जो है वो फ्री कर दिया गया है, गांव के लोगों ने आके टोल फ्री करवा दिया, क्या सूचना सही है या गलत? नहीं नहीं बिल्कुल झूठ है, आप देखोगे आप सारे टोल चल रहे हैं, सारे टोल चल रहे हैं, और इन्होंने से भी टोल लिया है और इनकी गाड़ी बैक कराई इनकी, कल शाम की बात है। सरपंच साहब जी, राम राम जी, तो हमारी भी गाड़ियां शाम ने आई थी और यहाँ फ्री थी, जो पहले जो कंपनियां चल रही थी यहाँ वो फ्री चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी ना, हमने दिक्कत थी ना उनसे, ना गांव वाला ना गवांड वाला, उनसे कोई दिक्कत नहीं थी, जिस दिन से ये आई हैं उसी दिन से परेशान कर रखे हैं, कल तो बड़ा हादसा कर दिया होता इन्होंने, ड्राइवर को मारे है, मेरे से ही बदतमीजी से बोले मैं आया जब गाँव में यहाँ तक, फिर मैंने खुद 112 पे कॉल करनी पड़ी, कभी मेरा ना लिपट जाइए, ये देख नहीं रहे, इज्जत नहीं देख ना कुछ कर रहे, गुंडा कर चला रहे बिल्कुल, वो ड्राइवर कह रहा है पीछे कार है भाई, इन्होंने गोले पीछे तोड़ कार ने से जाके ना तोड़ दे, किसी ने तोड़ दे, मैं ऐसे थोड़ी तोड़ देंगे, हम गलत काम थोड़ी करेंगे, हम ले जाएंगे तो अपने हक के हिसाब से ले जाएंगे, हमारा फ्री है यहाँ, लेकिन वो मानने नहीं, लेकिन यहाँ प्रशासन आ गया, प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा है, आश्वासन दिया है, सबसे बड़ी बात तो ये है जब ये बीजेपी के नुमाइंदे हैं न्यू भी हो भाई, क्योंकि ये सरकार का नारा है कि भैया तो कांग्रेसियों ने बैठा दिया तो फलाना ने बैठा दिया उन्होंने, ये तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों के साथ है, ये चेयरमैन है, चेयरमैन हरियाणा सरकार लिखा हुआ गाड़ी, इनकी गाड़ी का टोल काट दिया, इससे ज्यादा क्या हुआ?
आम आदमी का क्या हुआ? चेयरमैन साहब क्या कुछ हुआ आपके साथ? ये देखिए, पहले जैसे दो कंपनियां इनसे पहले और भी आई थी, उनसे ना तो उनमें हमारे से परेशानी थी और ना जनता ने उनसे परेशानी थी। जब से ये आए हैं, जो भगाने वाला टूल है वो भी नहीं कहा है, इन दोनों का एक ही मालिक है और ये बाउंसर रखता है, बदमाश रखता है। और कई दिन पहले हमारा जरौठी गांव है, ये पास में 1 किलोमीटर दूर है, उससे एक व्यक्ति अपनी मिसिज को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था, तो उसके साथ में भी इन्होंने मारपीट की है और उन्होंने MLR कटवाई है, दरखास्त दी है, अब तक प्रशासन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। और कल भी ऐसा ही हुआ, यहाँ जो आसपास के गांव हैं वो तो परेशान हैं, लेकिन पहले क्या था, अब जो भाई खरकोद्दा से सोनीपत या सोनीपत से खरकोद्दा जाता है, सर्विस करता है, तो उनका पास बना दिया करते थे, एक महीने का पास बना देते थे और उसके बाद में उसको रिन्यू कर देते थे। लेकिन अब ये ना तो कोई पास बना रहे और ना ही जो आसपास के ग्रामीण हैं उनको ना ये फ्री में आने जाने देते। और रही तीसरी बात, अब ये गाली गलौज और ये जो लोगों के साथ दुर्व्यवहार जो ये करते हैं, ये हमारी मतलब सहन शक्ति जो थी अब हमारी वो खत्म हो चुकी है। अब हम इसका यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम इसका निचोड़ करेंगे और अभी मीटिंग बुलाई है तो अधिकारी भी वहाँ पहुँचेंगे और हम भी वहाँ पहुँचेंगे।